स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ हो गई मैं रेडी एंड देख सकते हैं कैसी लग रही मैं। और हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए, तो चलते हैं घूमने। और देखिए यहाँ आ गए मैं, आई लव चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ में हैं जैसे कि आपको पता है, और यहाँ पे हम आ गए हैं एटलांटिक मॉल, जो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है। तो हमारी क्यूटी पाई को देख सकते हैं, काफ़ी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। और मेरे हीरो जी भी को देख सकते हैं, ये भी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। तो चलते हैं मॉल के अंदर। कहाँ पे आए हो आज? एटलांटिक मॉल चंडीगढ़ में। चलिए चलते हैं अंदर। ये हमारी हर्षिका भी है साथ में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं चंडीगढ़ में, जैसे कि मॉल के अंदर। यहाँ पे काफ़ी व्यूज़ बहुत ही प्यारा है और काफ़ी बड़ा मॉल है, घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सारे ब्रांड यहाँ पे मिलेंगे, जो आपको महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते शॉपिंग करने के लिए भी बेस्ट मॉल है। और देखने के लिए, घूमने के लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पे हम भी घूमें और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे देखने में। और जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पे मैं भी घूमी और मैंने भी शॉपिंग करने का सोचा। भाई ऐसा नहीं है, से हम मिडिल क्लास वाले हैं तो हम बड़े मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकते, हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं भी गई और मैंने भी कुछ कुर्तेस वगैरह देखे, और उसके बाद मैंने बैग देखा। तो गाइस ये तो बजट से बाहर दिख रहा था, क्योंकि ये देखा, देखने में तो उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने देखा तो भाई इसका प्राइस 2100 रुपये था। मैंने तो वहीं रख दिया, भाई हम हाउस वाइफ के लिए इतना महंगा बैग क्या करेंगे। तो उसके बाद हम चल दिए आगे की तरफ, हर्षिका के लिए शूज़ लेने थे तो वहाँ चल दिए। और वहाँ पे गए तो हमारे बजट में था, तो ये सरदार जी पाजी हमें अच्छे अच्छे शूज़ दिखाए, उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, काफ़ी बड़ा अच्छा फील हो रहा था। से वो हमें अच्छे से बिठा के दिखा रहे थे, इवन पिन्हा के भी दिखाया उन्होंने। और ये देख सकते हैं बड़ा प्यारा लग रहा था। वो एक एक शूज़ हम मैं बताई जा रही थी, से मुझे ये वाला दिखाइए, ये वाला दिखाओ, नंबर बता दिया था और साइज़ बता दिया था, और उन्होंने हमें एक एक शूज़ लेके दिखाया, बड़ा प्यारा लगा। तो भाई एकदम अमीरों वाला फील आ रहा था भाई, इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे, भाई बता नहीं सकती मैं वो एक्सपीरियंस जो मैंने किया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं ये ऐसा नहीं है से भाई हम थोड़े मिडिल क्लास वाले हैं या हाई क्लास वाले हैं तो उनके साथ अलग ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया हमें इन्होंने। फिर उन्होंने बाद में खुद ही पिना पिना के दिखाया से हाँ ये अच्छा है, ये साइज़ अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है इसके ऊपर कि नहीं अच्छा लग रहा है, उन्होंने ये भी दिखाया। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था ना, बैठा के ऐसे दिखा रहे थे वो हमें। तो फाइनली हमने यही वाला शूज़ जो भैया पहना रहे ना, फाइनली था ये जो, ये वाला शूज़ हमने सिलेक्ट कर लिया और यही लिया हम था, लिया है मैंने हर्षु के लिए। उसके बाद मैंने भी सैंडल देखा, तो ये देख सकते हैं स्लीपर कितनी प्यारी लग रही थी ना, ये कुर्ती वगैरह पर बहुत ही प्यारी लगेगी, पर इसका प्राइस कुछ ज़्यादा था। और ये हम कहाँ पहन के जाऊँगी मैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया ये वाला, पर पहन के देखने में कोई पैसे थोड़े लगता है, तो मैंने देख लिया। उसके बाद ये हर्षु के पापा को और दिलवाना था बेटी को, तो और दिखाने लग गए। फिर उसके बाद हमने बिलिंग वगैरह की और हम जिसके लिए आए थे हम वो करने चल दिए, यानी कि हम फिल्म देखने आए थे इस मॉल में, इतने बड़े मॉल में, और हम वहाँ चल दिए। यहाँ पे उन्होंने टिकट ली, तो भाई मुझे तो डर लग रहा था से भाई इतने बड़े मॉल में फर्स्ट टाइम हम मतलब मूवी देखने जा रहे थे, तो भाई इतने बड़े मॉल में इसकी टिकट ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं था, टिकट भी हमारे बजट में था और हमने यहाँ पर टिकट ली हर्षु पापा जी ने। और उसके बाद हम गए फिल्म देखने। तो हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे थे, हम देखने जा रहे थे जवान, तो इसकी टिकट ली उन्होंने। और यहाँ पे बड़ी दुख की बात ये लगी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हर्षिका की भी टिकट लगी और उसको देखना वेखना कुछ होता नहीं है, वो सो जाती है आधी मूवी में, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। और उसकी भी टिकट फुल लगी, उतनी जितनी प्राइस हमारी लगी, वो जितने पैसे हमारे लगे उतना पैसा उसका भी लगा। तो PVR में अब करेंगे हम एंट्री, तो चलते हैं एंट्री करते हैं। और अंदर काफ़ी सेक्शन वाइज था, पहले हमने एंट्री करी तो यहाँ पे और सारी जो मूवीज़ थे, सारे हॉल्स थे वो दिखाए, एक ही मूवीज़ नहीं लगी थी, बहुत सारे लगे थे, करीब 8-10 फिल्में लगी हुई थी जो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग क्या मस्त लग रहा था भाई,
एकदम व्यूज़ बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। इन्होंने टिकट चेक करी और हर्षिका भी टिकट चेक करी, उनको लगा हम बिना टिकट के आ गए, तो उनकी उसकी भी टिकट चेक करी। तो कौन सी मूवी देखने जा रहे हो आज? जवान। जवान चलते हैं अब मूवी देखने की तरफ और अंदर हॉल के अंदर। तो देख सकते हैं कितना प्यारा व्यूज़ है ना। और यहाँ पे हर्षिका ने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, मैंने खिंचवाई, तो जो आपको फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे देखने को मिल सकता है। आपने वहाँ फ़ोन वाल नहीं किया तो वहाँ कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब अंदर हो रही है एंट्री और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा। यहाँ पे भी इन्होंने टिकट चेक करी भाई, इतनी सत्ताई है ना पूछिए मत। तो यहाँ पे भी इन्होंने टिकट चेक करी और उसके बाद हमारी होती है अंदर एंट्री। देख सकते कितना प्यारा मूवी हॉल है ना, और इतनी सारी लाइटिंग्स वगैरह, इतना प्यारा है और इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही मज़ा आया। फिल्म भी गाइस बता दो तो बहुत ही अच्छा था। मैंने मेरे को लगा नहीं था मुझे इतनी अच्छी लगेगी, पर मैंने इसका वो देखा सा सुना था से अच्छा है। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पर और हमारी फ़िल्म शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी फ़िल्म स्टार्ट हो चुकी है, ये स्टार्टिंग का है और देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्टिंग में था शाहरुख खान की फ़िल्म भाई, काफ़ी मज़ेदार फिल्म है, बहुत ही मज़ा आया देख के, अच्छा लगा। ऐसा लगा पैसा वसूल मूवी है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएंगे, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और बहुत ही स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, ये सैनिक पे है, सेना पे, और देख सकते हैं स्टोरी बहुत अच्छी है। और सचमुच जवान शाहरुख खान को सचमुच जवान ही दिखाया गया भाई, दो पीढ़ी दिखा दी गई इसमें, इनकी दादा भी बन गए, मतलब फिल्म भी अच्छी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम देख लिए फिल्म और ठंड लग रही थी काफ़ी क्योंकि एसी चल रहा था। तो इसके बाद हो गई ब्रेक, ब्रेक में हम बाहर निकल गए, थोड़ी देर बाहर ही रहे क्योंकि ठंडी लग रही थी, हर्षू को ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो इसलिए हम बाहर निकल गए ब्रेक में। और उसके बाद फिर से हमारी स्टार्ट हुई मूवी, तो उसके बाद हमने मूवी देखी और ये सबसे लास्ट सीन था जो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। तो लास्ट में भाई मार पीट काट पीट बहुत है, जिसको एक्शन मूवी अच्छी लगती है ना मार पीट वाली, तो वो तो ज़रूर जाए देखने, बहुत ही अच्छा है। और अब तो टीवी वगैरह पे भी आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मूवी ख़त्म हो गई थी करीब 7 बजे, और उसके बाद हम निकले 7 बजे एटलांटिक मॉल से बाहर। और देख सकते हैं शाम का व्यूज़ भी कितना प्यारा है ना, कितना सुंदर लग रहा था, और ज़्यादा लाइटिंग वगैरह चल रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम बाहर निकल रहे हैं, अब चलेंगे अपने घर की तरफ। तो मूवी देख ली और शॉपिंग कर ली, बहुत ही अच्छा लगा, सारा दिन आज का बहुत ही अच्छा था। और हम निकलते हैं बाहर की तरफ और इस ब्लॉग को करेंगे एंड यहीं पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय दोस्तों।